हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, एमपी का रिजल्ट आ चुका है, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन सा नोटिफिकेशन, इसमें क्या क्या कंटेंट है। तो प्लीज़, आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, एंड आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं विद द चैनल नेम लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। तो चलिए डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या कंटेंट है। तो हमारे सामने आ गया है हाई कोर्ट ऑफ एमपी का नोटिफिकेशन, जिसमें हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है एमपी का जो एग्ज़ाम हुआ था सिविल जज जूनियर डिवीजन का क्लास टू लेवल के लिए। तो उसमें डिक्लेयर कर दिया गया है हमारा रिजल्ट, राइट। तो ये सब दिया गया है, आंसर कीज वगैरह के बारे में बताया गया है। तो देखिएगा, ये एग्ज़ाम हुआ था हमारा 20 मार्च 2021 को, जिसके लिए ऑब्जेक्शंस रेस किए गए थे एंड बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इसमें डिक्लेयर की हैं। तो देखिएगा आराम से, रिजेक्शन हुआ है बहुत सारे ऑब्जेक्शंस का, जो हमने ऑब्जेक्शन लगाए थे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं। तो कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं एक बार नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 31, राइट। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 38, 48, 44, 47, 48, 49, 54, 56, 59, ये एक सीरीज रही। देन क्वेश्चन नंबर 63, 66, 70, 73, 77, 79, 83, 84, 86, 89 एंड 94, राइट। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं 96, 98, 106, 107, 108, 109, 116, 118, 129, ठीक है। उसके अलावा जो कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं वो जो रिजेक्ट हो गए हैं, ऑल टुगेदर हटा दिए गए हैं, वो हैं हमारे 133, 147 एंड 150, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे रिजेक्ट हो गए हैं, याद रखिएगा ये रिजेक्ट हो गए हैं, बिल्कुल हटा दिए गए हैं, पेपर से निकाल दिए गए हैं, राइट। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ देखिएगा, इसमें दे रखा है ऑब्जेक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर्स हैव बीन एक्सेप्टेड। जो ऑब्जेक्शन का टाइम दिया गया था उसमें ये क्वेश्चन एक्सेप्ट हो गए हैं और की कुछ आंसर की मॉडिफाई कर दिया, मतलब चेंज कर दिया, ऑल्टर कर दिया। तो देखिएगा कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिक्कत आई, वहाँ पर आपको दो ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन नंबर 1 और 2, जिसकी प्लेस पर एक ऑप्शन कर दिया गया है ऑप्शन नंबर 2। उसके अलावा 28 ऑप्शन क्वेश्चन था जो जिसमें ऑप्शन नंबर 2 था, इसकी प्लेस पर कर दिया गया है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1, जिसकी प्लेस पर कर दिया गया है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, 2 और 3, मतलब दो ऑप्शन है यहाँ पर, और ऑप्शन नंबर 4 कर दिया गया है। 75 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3, जिसकी प्लेस पर कर दिया है ऑप्शन नंबर 1। 88 में ऑप्शन नंबर 4 की जगह कर दिया गया है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया जो रिजेक्ट हो गए हैं और जो मॉडिफाई हो गए हैं, दो चीज़ों की अभी तक हमने बात की। अब देखते हैं और क्या चीज़ें हैं इस नोटिफिकेशन में। देखिएगा इसमें बेसिकली दे रखा है कि बोनस मार्क्स कुछ मिलेंगे, जो बोनस मार्क्स के बारे में बात करते हैं, बोनस मार्क्स, राइट। तो देखिएगा इसमें एक नंबर उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिन्होंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है। ऑब्जेक्शंस के को कंसिडर करने के बाद ये वाला एक क्राइटेरिया रखा गया है कि जिन लोगों ने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उन्हें एक नंबर मिलेगा, ठीक है। तो कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 16, 17, 60, 82, 99, 103, 114, 128, 136, ठीक है। तो सब कुछ कंसिडर करने के बाद मैंने आपको अभी तक तीन चीज़ें बताई, एक दो क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, एक जो क्वेश्चन रिजेक्ट हो गए हैं, एक जो क्वेश्चन मॉडिफाई हुए हैं, और एक जो बोनस मार्क्स की हमने बात की, ठीक है। बोनस आपको कितना मिलेगा, 1 मार्क्स का, ठीक है, 1 मार्क्स, ठीक है। उसके अलावा हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो हर कैटेगरी में, जैसे जनरल में पोस्ट थी हमारी 102, 102 पोस्ट थी, तो इसकी कट ऑफ आई है हमारी 115, 115। और टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो सक्सेसफुल हुए हैं, जो मेंस लिखेंगे जनरल कैटेगरी में, वो कुछ रहेंगे हमारे 1132, ठीक है।
उसके बाद ओबीसी में 29 जिसमें कट ऑफ रहेगी हमारी 105, 314 इसमें बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं। उसके बाद एससी की बात करें तो 33 जिसमें कट ऑफ गई है 88, 337 इसमें कैंडिडेट जो हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं। एसटी की बात करें तो 88 पोस्ट थी जिसमें 82 मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है, तो 159 कैंडिडेट्स इसमें पास हुए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पूरा टोटल मिलाकर इसमें कितनी चीज़ें थी। तो इसमें टोटल 252 पोस्ट थी जिसमें 1942 लोगों ने पार्टिसिपेट कर सक्सेसफुल हो गए और प्रीलिम्स क्लियर कर लिया और अब वो मेंस का एग्ज़ाम देंगे। राइट, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको डेट मेंशन कर रखी है और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं 9/7/2021 से पहले पहले आपको देखना है सब कुछ। ये डेट्स वगैरह आप देख लीजिएगा एंड मेंस का आपको फॉर्म फिल करना है और कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आप चेक कर सकते हैं, इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं, जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं इन नाम दे रखा है, सब कैटेगरी दे रखी है, तो वो आप अपना सीरियल वाइज नाम चेक कर सकते हैं, बहुत बड़ा पीडीएफ है। एंड जिन लोगों का नहीं हुआ है वो निराश ना हो, क्योंकि ये पैंडेमिक चल रहा है, आपके पास अच्छा टाइम है, आप रिवाइज़ कर सकते हैं, और कुछ तो वैसे भी बचता नहीं है। जो लोग स्टडीज़ के लिए सीरियस हैं वो अपनी स्टडीज़ मेंटेन करते रहिए एंड पढ़ते रहिए। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट करनी थी बहुत ज़रूरी कि हम लोगों के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो लोग हमारे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं बहुत रीज़नेबल फीस पर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू सब्जेक्ट CRPC एविडेंस और इंडियन पिनल कोड। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं या जो जिन लोगों को लगता है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं या आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, तो हम जूम गूगल मीटिंग पर क्लास रखेंगे एंड डेमो हो चुका है, चल रहे हैं डेमो भी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं विद मिनिमम रीजनेबल फ़ीस, मंथली फ़ीस होगी वो, और ये भी नहीं कि आपके साथ आपको पूरा एक लार्ज अमाउंट देना पड़ेगा, तो आप जैसे भी मंथली फ़ीस देते हैं वैसे बहुत मिनिमम अमाउंट इसलिए रखा गया है क्योंकि पैंडेमिक है और लॉकडाउन के चक्कर में सबको प्रॉब्लम होती है, आई अंडरस्टैंड दिस। तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप मेल एड्रेस नोट डाउन कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप बता सकते हैं। एंड उसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पे ही फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे ही फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। विद द चैनल नेम यू कैन कमेंट ऑन एनी ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, उसके अलावा बैचेस का तो हो गया एंड जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आई रिपीट कि तीन सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेश बैचेस हैं और सीरियस कैंडिडेट्स जो पे करना चाहते हैं वही इसे अटेंड करें एंड ज्वाइन करें। एंड बस इतना सा है, CRPC एविडेंस एंड IPC, एंड करते रहिए वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड देखते रहिए हमारा चैनल लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। इस पर्टिकुलर चैनल पर आपको मिलेंगे मोटिवेशनल वीडियोस, बहुत लोग पैंडेमिक में बहुत थक जाते हैं तो डीमोटिवेट हो रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी आ रही है, नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, तो मोटिवेशनल वीडियोस भी कुछ डाल रखी हैं तो वो भी आपके लिए अच्छी हेल्पफुल होंगी। एंड CRPC TPA आप कोई भी सब्जेक्ट नेम कीजिए, बहुत सारी वीडियोस डाल ही रखी हैं। एंड CPC की भी मिल जाएगी, इंडियन एविडेंस एक्ट की, IPC की, जूरिस्प्रूडेंस की, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, इक्विटी की, TPA की, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो देखते रहिए चैनल, करते रहिए सब्सक्राइब एंड जो भी लोग सब्सक्राइब करें, जो भी लोग नए आए हैं वो प्लीज़ बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस के वीडियो सबसे पहले मिले एंड मिस ना हो आपके। ठीक है, तो मैंने आपको तीन प्लेटफॉर्म्स बता दिए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज, और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट भी चेक कीजिया करिए। यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर हम लोग डालते रहते हैं जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं, तो कई बार मिस हो जाते हैं, तो इन सब जगह पर आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। और बाकी अब जल्दी से इसका मेंस होगा तो उसकी भी हम तैयारी स्टार्ट कराएंगे एंड एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं वो हमारे रहेंगे, राजस्थान आने वाला है, हरियाणा आने वाला है, MP आने वाला है, बिहार के चल रहे हैं, बिहार APO, बिहार मेंस, एंड एक बैच हम उसका भी सोच रहे हैं बिहार APO के GK वाला, मेंस वाला, तो उसका भी अगर किसी को ज्वाइन करना तो विद रीज़नेबल फ़ीस यू कैन ज्वाइन, और बता सकते हैं हमें मेल के द्वारा या कोई भी लिंक दे दिया जाएगा, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा।
एंड अननेसेसरी कॉल या मैसेज ना करें, जो इंटरेस्टेड हों वो ही कॉल करें। बाकी आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए एंड बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। आई एडवोकेट दृष्टि एंड दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।